और इस नए भारत में ये परिवार बार की दीमक से सड़े हुए कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं है दोस्तों। इंडिया अलायंस का मुझे कहते हैं कि हमें रोज इतनी बातें सुनाती है, नहीं तो बट इंडिया अलायंस में आप बताइए एक भी ऐसा कैरेक्टर है जिसपे कोई घोटाला केस नहीं है? 2G स्कैम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, अरे घोटालों की लिस्ट खोल दे तो यहाँ पे सुबह हो जाए, सबके सब घोटाले बाज वहां पे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा क्या होता है कि सारे घोटाले बाजों में गुटबंधन हुआ और अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कहते हैं एक साल हम बनेंगे, एक वह बनेगा, छह महीने हम सब प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे चोर उचक्कों की पार्टी जो है एक साथ हो गई है दोस्तों। तो क्या ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आपत्ति नहीं है क्या, आप ही बताइए? एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भारत के लिए चैलेंज शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो सत्य है, सनातन है, कड़ा परिश्रम है, और दूसरी तरफ ये छलने वाले स्कैमस्टर जिन्हें कहा जा सकता है भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों। हम इसे बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। मुझे कहते हैं अपवित्र है, अब उनके नेता ने कहा है कि इसको रोज अपने हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन लेके घूमती है, और अगर इसको कोई मेकअप के बिना देख ले तो इतनी बदसूरत है कि वो भाग जाएगा, ये उनके नेता ने कहा है, आप जवाब मिल जाएगा। 4 जून को इनको ऐसा जवाब मिलेगा मंडी से कि जो पूरे भारत में इन लोगों ने मंडी की इमेज खराब कर दी है, हिमाचल की जो इमेज खराब कर दी है, क्योंकि हिमाचल के भी हमारे भी यहाँ पे एक ऐसे शहजादे हैं जो पहले तो राम मंदिर से जाते हैं, वहां से वो आशीर्वाद लेके आते हैं और फिर यहाँ पे कहते हैं सियापति हनुमान चंद्र की जय, वो भी कोई कम नहीं है। कहते हैं इंदिरा गांधी हमारी पहली राष्ट्रपति थी, इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं, और कहते हैं मैं राजा हूं, मैं देवताओं को जेल में डाल दूंगा। तो ये जो घमंड उन्हें हो गया है, ये जो दौलत का घमंड कह लीजिए या सत्ता का जो घमंड उन्हें हो गया है, उन्हें याद रखना चाहिए तो घमंड तो रावण का भी टूटा था, और 4 जून को इनका घमंड टूटेगा और मेरी मंडी की जो जनता है इनका घमंड तोड़ के दिखाएगा। और मनाली के बारे में तो मैं क्या ही कहूं दोस्तों, आप पर्यटन की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे अपने भाव किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और जो मुझे कहते हैं ये यहाँ से चली जाएंगी, मैं दिल से आपको यही कहना चाहती हूँ कि चाहे मैं पार्लियामेंट मेंबर बनूं या नहीं बनूं, मैं अपना घर छोड़ के जाऊंगी क्यों, रहूंगी तो मैं यही, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं चाहे नहीं बनूं, मेरा घर यहाँ है, मेरी जमीन यहाँ है, तो रहूंगी तो मैं हिमाचल में ही। तो ये तो सब बेतुकी बातें हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। मैं हिमाचली हूँ, यहाँ मेरा घर बार है, काम की दृष्टि से मैं कहीं और रहती हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं घर में आऊंगी नहीं और कहीं और ही रह जाऊंगी, उस बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो दोस्तों मोदी जी को जो है उनका जो संकल्प है 400 पार का, जिस इंसान ने अपना सारा जीवन इस देश को दे दिया, जिस इंसान ने अपना एक पल पल इस देश को दे दिया, उसके लिए हम उनके संकल्प में पूरा भागीदार बनेंगे और उनको 400 सीट होगी तो हम हिमाचल से उनको पहले तो सबसे पहले 4 की 4 देंगे। मेरे साथ कुछ नारे लगाइए, आपकी बार, आपकी बार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।